डी स्टूडेंट्स मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि मोटिवेशन ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन ऑफ द जॉब इक्विटी मोटिवेशन ऑफ द इम्प्लाई ये किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें से जो अभी टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब इक्विटी थे वे इन टू विच टास्क कैन बी कम्बाइंड टू फॉर्म कम्पलीट जॉब्स फैक्टर इन्फ्लुंसिंग जॉब डिजाइन जॉब की डिजाइनिंग एक इंपॉर्टेंट जॉब बेसिकली क्या है सेट ऑफ ड्यूटीज इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म दैट इज जॉब अब इस जॉब को डिजाइन कैसे करना है चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी दर्गेनाइजेशम्प्लाई स्किल एबिलिटी एंड प्रेफरेंस ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी जॉब डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं जॉब एन लार्जमेंट जॉब एनरिचमेंट इंक्रीजिंग द जॉब स्कोप नंबर एंड फ्रीकेंसी ऑफ टास्क अगर आप एक बंदा प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी जॉब ड्यूटीज़ में इजाफा कर दें तो वो जॉब एनलार्जमेंट कहलाता है जॉब एनरिचमेंट इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटोनमी डेप्थ इन अ जॉब अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा कर दें कि एक बंदा मैनेजर है उसको आप उससे अपर लेवल पर ले जाएं ड्यूटीज में इजाफा कर दें तो ये हमारे लिए जॉब एनरिचमेंट है जॉब करेक्ट्रिस्टिक्स मॉडल जे सी एम जॉब करेक्ट्रिस्टिक्स मॉडल अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब्स दैट क्रिएट मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंसिस दैट सेटिसफाई इम्प्लाईज़ ग्रोथ नीड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्लाईज़ ग्रोथ नीड इम्प्लाई प्रमोट होना चाहता है अगर इंप्लाई को मालूम है कि आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ पाँच साल बाद मैं इसके बाद डिप्टी मैनेजर बन जाऊँगा फिर मैनेजर बन जाऊँगा फिर दस साल बाद जनरल मैनेजर बन जाऊँगा तो इस तरह इम्प्लॉई की जॉब के रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां पे इंप्लाई को कैरियर पाथ ना दिया जाए फाइव प्राइमरी जॉब स्किल वैरायटी टास्क आइडेंटिफिकेशन टास्क सिग्निफिकेंस पहले हम तीन को डिस्कस करते हैं स्किल वैरायटी हाउ मैनी स्किल्स इंप्लाई द जॉब प्रोड्यूस अ कंप्लीट वर्क टास्क सिग्निफिकेंस हाउ इंपॉर्टेंट इज द जॉब फॉर द एम्प्लॉ फोर्थ वन अटोनोमी हाउ मच एम्प्लॉज आर फ्री टू परफॉर्म देअर जॉब एंड द लास्ट वन इज फीडबैक डू वर्कर्स नो हाउ वेल दे आर डूइंग एम्प्लाई जो काम करे उसका फीडबैक उसको मिलना चाहिए इन पाँच चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फाइव प्राइमरी जॉब करेक्ट्रिस्टिक्स अगर ये पाँचों चीज़ें जॉब में एग्जिस्ट कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पहले से बेटर होगी डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब इक्विटी थेरी जॉब करेक्ट्रिस्टिक्स मॉडल जॉब डायमेंशन स्किल वराइटी टास्क आइडेंटिटी टास्क सिग्निफिकेंस अटोनमी फीडबैक जो अभी पांच पॉइंट हमने डिस्कस किए क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स दीज आर देन एज अ रिजल्ट यू कैन सी स्ट्रेंथन ऑफ एम्प्लॉयज ग्रोथ नीड पर्सनल एंड वर्क आउटकम हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस हाई सेटिसफैक्शन विद इन द वर्क लो एबसेंटीज एंड टर्न ओवर इन पाँच, पाँच चीजों से ये चीजें पैदा होती हैं और इनकी वजह से ये चीज़ें डिवेल्प होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब इक्विटी थेरी डिजाइनिंग जॉब मोटिवेटिंग इक्विटी थेरी की फर्दर अगर देखा जाए तो इसमें गाइडलाइन फॉर जॉब रीडिज़ाइन है स्किल वैरायटी का लिंक एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट रिलेशनशिप इसका लिंक इसके साथ कंबाइन टास्क टास्क आइडेंटिटी फॉर्म नेचुरल वर्क यूनिट का तलक टास्क सिग्निफिकेंस के साथ लोड वैरायटी का तलग अटॉन के साथ ओपन फीडबैक का फीडबैक के साथ ये कोल जॉब डायमेंशन हैं ये वाली और ये पांच सुजेस्टेड एक्शन हैं जब ये काम करेंगे तो ये चीजें पैदा होंगी और इनकी वजह से ये चीजें डेवलप की जा सकती हैं ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं फॉर जॉब रीडिज़ाइन तो ये सारी चीजें जिस थेरी के अंडर काम करती हैं उसको हम लोग कहते हैं जॉब इक्विटी थेरी डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब इक्विटी थेरी सुजेशन फॉर यूजिंग द जे सी एम ये सी एम डी एस टूडेंट सभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस स्लाइड में इट इज करेक्टिस्टिक्स मॉडल जॉब करेक्टिस्टिक्स मॉडल को अगर देखा जाए तो इट कम्बाइंड टू क्रिएट मोर मीनिंगफुल्स ऑफ योर वर्क क्रिएट नेचुरल वर्क यूनिट्स टू मेक इम्प्लाइज वर्क इम्पोर्टेंट एंड होल अब इसमें अगर देखा जाए ये सुजेशन है अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेश्स के मुख्य टास्क को कम्बाइन कर दिया जाए ताकि जॉब एन लार्ज हो सके या जॉब एनरिचमेंट हो सके तो बिल्कुल की जा सकती है लेकिन पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाई को उसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है और प्रिपेयर करना भी चाहिए जब इम्प्लाई उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होगा ही कैन एक्सेप्ट एनी चैलेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेबलिश एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लाइंट रिलेशनशिप टू प्रोवाइड फीडबैक ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई प्रोडक्ट डिवेल्प हो रही है वो कोई एक्सटर्नल कस्टमर यूज़ कर रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और प्रोडक्शन गुजरा वाला में हो रही है तो वहाँ से उस प्रोडक्ट का फीडबैक लें अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो हाउ यू कैन नो वट इज द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट आप लोगों को सही उसका आइडिया नहीं होगा एक तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक होगा जो कि इम्प्लाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हासिल करेगा या लैब से हासिल करेगा या प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी तो उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी वहां से हासिल करेगा तो एक एक्सटर्नल एक फीडबैक है जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है उससे हासिल करेगा तो ये दोनों चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेंसी थे दी स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल टेंट इन सर्टन वे बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेशन दैट दिल बी फॉलोड बाई अउटकम एंड ऑन दट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट आउटकम टू द इंडिविजुअल अब इस स्लाइड अभी जो मैंने तीन चार स्टेटमेंट आपके सामने स्टूडेंट रखी हैं इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम इम्प्लाई की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो इसका मतलब ये है कि जब गोल सेट हो तो इम्प्लाई मैनेजर आपस में म्यूचुअल कंसल्टे से गोल सेट करें तो इनके जो डिजायर रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर होंगे उस चीज की निस्बत जहां पर इंप्लाइज को पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना दी जाए की टू दी इज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉय गोल्स एंड लिंकिंग अमंग बिटवीन एफर्ट परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड एफर्ट इंप्लाई एबिलिटी एंड ट्रेनिंग डिवेलपमेंट परफॉर्मेंस वैलिड अप्रेजल सिस्टम लास्ट रिवार्ड गोल अंडरस्टैंडिंग इंप्लाइज नीड अगर ये तीन चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो इसको हम लोग एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेंसी थेरी बोलते हैं एफर्ट में इम्प्लॉयज एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब जॉब एम्प्लाई को दे उस वक्त ये चीज़ों का ख्याल रखें कि इंप्लाइज एबिलिटी मैच दी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इम्प्लाईज एबिलिटी विल मैच दी जॉब रिक्वायरमेंट अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा तो बाद में ये प्रॉब्लम्स पैदा नहीं होंगी एक्सपेक्टेंसी इंडिविजुअल एफर्ट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड इंडिविजुअल गोल्ड ए एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकजेस परफॉर्मेंस रिवार्ड अट्रैक्टिवनेस ऑफ रिवार्ड ए बी सी ध्यान ए बी एंड सी इसको हम लोग डी स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेंसी थे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेंसी एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकजेस एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकजेस जब आप एफर्ट पुट कर देंगे तो उसकी कोई आउटकम आएगी आउटकम क्या आएगी कि या उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर पॉजिटिव है तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी एफर्ट का परफॉर्मेंस से लिंक होगा इसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी द परसेप्शन दैट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ डिजायर्ड आउटकम अगर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं तो एक सर्टन लेवल डिजायर का जो आप पुट कर रहे हैं वो आपका अचीव होगा और उससे एक रीजनेबल रिवॉर्ड आपको मिलेगा अब वो जो रिवार्ड है वो आपका आउटकम है मसलन अगर मैं अच्छी परफार्मेंस देता हूँ तो स्टूडेंट्स विल बी सेटिस्फाइड तो ये मेरा एक रिवार्ड है जो अच्छी परफॉर्मेंस है ये मेरी इनपुट है उसका रिजल्ट आपको रिवार्ड मिलता है स्टूडेंट्स विल बी सेटिस्फाइड इसी तरह द अट्रैक्टिवनेस इंपॉर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस आउटकम टू द इंडिविजुअल ये चीज़ फिर एक इंडिविजुअल इंप्लाई के लिए स्टाफ मेम्बर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकती है हमें मालूम है कि जब तक इंप्लाई सेटिस्फाइड नहीं होगा उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे वो जो एम्प्लाई का सेटिस्फैक्शन लेवल डेवलप करना है इसको बैलेंस बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कंटेम्परे ऑफ मोटिवेशन गोल डायरेक्ट बिहेवियर इंडिविजुअल एफर्ट हाई इंडिविजुअल गोल अगर आप देखें तो यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होकर जब मूव कर रहा है इन दिस वे एंड वट इज गोइंग ऑन विद विदिन दर्गेनाइजेशन एबिलिटी जॉब डिजाइन जॉब अवेल्यूएशन इक्विटी जॉब डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस री इन्फोर्समेंट डोमिनेंट नीड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें एक दूसरे को लिंक कर रही है ये देखें ऐसे ये स्टूडेंट्स ऐसे इन दिस वे दिस थेरी विल एग्जिस्ट अगर आप इस थेरी की मुकम्मल एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन पे कर दें तो आपके डिजायर गोल डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के आसानी से अचीव हो सकते हैं